हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी क्लास 11th बायोलॉजी के अंदर हमने बैक्टीरियाज के बारे में यानी कि जीवाणु के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। लास्ट की क्लास में हमने जीवाणु के आधे बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का जो आवास था, अमाप था, आकार था, उनके बारे में अपन ने चर्चा करी थी। कुछ बैक्टीरिया जैसे हैं जो सबसे बड़े होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जैसे हैं जो सबसे छोटे होते हैं। तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैगियोटोआ मिराबिलिस। ये जो बैक्टीरिया है ये सबसे बड़ा बैक्टीरिया है, और छोटे बैक्टीरिया की बात करूं तो छोटा बैक्टीरिया जो रहता है डायलिस्टर न्यूमिनोसेंस। पर यह डायलिस्टर न्यूमिनोसेंस जो है वो जुकाम से ग्रसित व्यक्ति के नेसल चैम्बर्स के अंदर पाया जाता है। जुकाम से ग्रसित व्यक्ति के नेसल चैम्बर में, तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखना कि सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा, बैगियोटोआ मिराबिलिस, और छोटा कौन सा, डायलिस्टर न्यूमिनोसेंस। आज अपन चर्चा करते हैं कोशिका की संरचना। किसकी कोशिका? बैक्टीरिया की कोशिका या जीवाणुवीय कोशिका। जीवाणु कोशिका, और जीवाणु कोशिका के बारे में बात करें तो इसके बाहर तीन परत होती है, तीन लेयर रहती है। एक सबसे अंदर, दूसरी इसके जस्ट बाहर की तरफ, और एक सबसे बाहर की तरफ। सबसे बाहर की तरफ, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर रहती है वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स। कौन सी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, यह जो ग्लाइकोकैलिक्स है यह दो लेयर से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है सबसे कठोर, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक बाहर की तरफ कठोर भाग रहता है और इनके बीच में कुछ श्लेष्मीय परत, नरम चिपचिपी श्लेष्मीय परत रहती है। एक तो सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स, और यह ग्लाइकोकैलिक्स दो भागों से मिलकर बनी होती है। जो कठोर भाग रहता है उसको बोलते हैं कैप्सूल, और जो नरम भाग रहता है उसको बोलते हैं औपंक स्तर। जिसको स्लाइम स्तर कहते हैं। इसके जस्ट अंदर की तरफ जो लेयर रहती है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति के अंदर सबसे अंदर की तरफ जो लेयर रहती है वो रहती है कोशिका झिल्ली, जिसमें कुछ अंतर्वलन भी पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, और इस कोशिका झिल्ली में कुछ अंतर्वलन भी पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं
जीवाणु कोशिका के अंदर सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, यह जो ग्लाइकोकैलिक्स है यह दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है कैप्सूल, यानी कि जीवाणु कोशिका के बाहर कठोर भाग पाया जाता है जिसे कैप्सूल कहते हैं, और उसी के साथ में एक और स्तर होता है जिसको अवपंक स्तर, श्लेष्मीय चिपचिपी लेयर रहती है जिसे क्या कहते हैं, अवपंक स्तर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है तो ये अपने बात करें अपन ग्लाइकोकैलिक्स की, तो ये पेप्टाइड की बनी हो सकती है, अमीनो एसिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, जो क्या करती है, ये कैप्सूल जो है वो जीवाणु की सुरक्षा करती है, बैक्टीरिया की सुरक्षा करती है, इन WBC यानी कि वाइट ब्लड जो कार्पल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन से सुरक्षा करते हैं, तो इन कैप्सूल जो है वो WBC से बैक्टीरिया की क्या करती है, सुरक्षा करती है। फिर अगर अपन बात करें अवपंक स्तर, तो ये ओनली पेप्टाइड्स का बना होता है, ठीक है, पेप्टाइड का बना होता है। आगे चल करके अपन बात करें कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो बनी होती है इसमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल। वापस अपन बात करते हैं एक ग्लाइकोकैलिक्स की, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद में पेप्टिडो ग्लाइकन, तो फर्स्ट लेयर अपनी आई ग्लाइकोकैलिक्स जो कैप्सूल और अवपंक स्तर से बनी रहती है, फिर आती है कोशिका भित्ति जो पेप्टिडो ग्लाइकन, पेप्टिडो ग्लाइकन के बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकन यानी कि इसके अंदर दो भाग पाए जाते हैं, एक तो पेप्टाइड और दूसरा ग्लाइकन। ग्लाइकन के रूप में इसमें मर्मेलिक एसिड पाया जा सकता है, ग्लूकासामाइड पाया जा सकता है, ठीक है, तो इसमें कोशिका भित्ति जो है वो दो कंटेनेंट, एक तो पेप्टाइड है और दूसरा है ग्लाइकन। और ग्लाइकन के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, या तो हो सकता है एक तो होता है इसमें मर्मेलिक एसिड और दूसरा इसमें ग्लूकोसामाइड, क्लियर। तो फर्स्ट अपने पास में आई ग्लाइकोकैलिक्स जो कैप्सूल और अपंक स्तर के रूप में डिवाइड रहती है, फिर रहती है कोशिका भित्ति जो पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी रहती है, यानी कि एक तो पेप्टाइड और दूसरा ग्लाइकन। ग्लाइकन जो है वो एन एसिटिल म्यूरमेरिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूकासामाइड की बनी हो सकती है। फिर आते हैं अपन कोशिका झिल्ली की तरफ, कोशिका झिल्ली सबसे अंदर की तरफ जिसमें कुछ अंतर्वलन पाए जाते हैं, और इन अंतर्वलनों को बोला जाता है मीजोसोम, मीजोसोम। ये जो मीजोसोम है वो श्वसन में काम आते हैं, किसमें, श्वसन में काम आते हैं, ये ध्यान रखना। मीजोसोम जो होते हैं वो श्वसन में काम आते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जीवाणु के अंदर डबल मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेल्स रहते हैं, यानी कि द्वि झिल्ली से या दोहरी झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग जो रहते हैं उनका अभाव होता है, इस कारण इनके अंदर जो मीजोसोम है वो श्वसन के रूप में काम आता है। फिर इनके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है जिसे अपन केंद्रक ना कहकर के इसको बोला जाता है केंद्रकाभ, या इसको अपने आद्य केंद्रक बोला था, प्रिमिटिव केंद्रक बोला था, क्यों, क्योंकि इनके अंदर DNA और DNA के साथ में जो हिस्टोन होता है वो नॉन हिस्टोन होता है, यानी कि हिस्टोन नहीं पाया जाता, हिस्टोन प्रोटीन होता है एक, जो अपन आगे पढ़ेंगे साइटोलॉजी के अंदर, जो केंद्रकाभ है वो एक तो DNA और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और ये प्रिमिटिव होता है इसीलिए इसको केंद्रकाभ बोला जाता है, या न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं इसको, न्यूक्लियर। तो केंद्रक झिल्ली जो रहती है वो केंद्रक झिल्ली कुछ अंतर्वलनों से मिलकर बनी होती है जिसे अपन ने मीजोसोम बोला, और एक केंद्रक पाया जाता है इसे जिसे अपन ने केंद्रकाभ बोला, यानी कि पूरा का पूरा पहला भाग अपना आ गया ग्लाइकोकैलिक्स, फिर अपने पास आ गई कोशिका भित्ति, फिर अपने पास में आती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर क्या कि जितना भी इनका जीव द्रव्य है वो कोशिका झिल्ली एक
दूसरा इनके पास में जीव द्रव्य, और तीसरा इनमें कुछ कशाभिकाएं पाई जाती है, एक सिरे से कुछ कशाभिकाएं निकलती है, ये लंबी कशाभिका निकलती है। कशाभिका क्या होती है कि एक तंतु सदृश संरचना होती है जिसकी स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं, और इस कशाभिका के आधार पर जीवाणु जो होते हैं वो कई प्रकार से हो सकते हैं। देखना इधर, कशाभिका इस कशाभिका के आधार पर जो जीवाणु हैं वो कई प्रकार से हो सकते हैं, मेनली दो प्रकार से, एक तो कशाभिक जीवाणु और दूसरा अकशाभिक जीवाणु। जिनमें कशाभिका पाई जाती है उनको कशाभिक जीवाणु, और दूसरे जिनमें कशाभिका नहीं पाई जाती उनको अकशाभिक जीवाणु, यानी कि इनको कहते हैं ट्राइकस, और जिनमें कशाभिकाएं नहीं होती है उनको कहते हैं अट्राइकस। ठीक है, वे जीवाणु जिनमें सिर्फ एक कशाभिका एक सिरे पर पाई जाती है इनको बोला जाता है मोनोट्राइकस, एक कशाभिक ट्राइकस। फिर जीवाणु के दोनों सिरे पर एक के कशाभिका हो इसे बोला जाता है उभय कशाभिक या एम्फीट्राइकस। फिर आगे चल करके अपन बात करें कि जीवाणु के एक सिरे पर बहुत सारी कशाभिकाएं हों इसको बोला जाता है लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस। और आगे चल करके अगर जीवाणु की संपूर्ण सतह पर कशाभिकाएं हो तो इसको बोला जाता है पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस। तो ये थी जीवाणु कोशिका की संरचना जिसके बारे में अपन ने पढ़ा, जो कशाभिका ही रहती है। ये कशाभिका जो है यह कशाभिका तीन भागों से मिलकर बनी होती है, एक तो काय यानी कि इनकी बॉडी, दूसरा इनमें तंतु यानी फिलामेंट, और तीसरा इनमें आता है हुक। इस प्रकार की संरचना अपन कह सकते हैं। ये जो काय है इसके अंदर अगर इसके अंदर कुछ रिंग्स पाई जाती है, दो से चार रिंग्स पाई जाती है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में अलग अलग हो सकती है, दो से चार रिंग या वलय कह सकते हैं। तो ये एक वलय और ये दूसरी वलय, और इनके बीच में अपन देख सकते हैं एक पाया जाता है हुक। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये तो है बॉडी या जिसको अपन काय कहते हैं, ऊपर वाला पोर्शन ये जिसको अपन कहते हैं हुक, ये वाला पोर्शन हुक, और इनके ऊपर एक पतला सा तंतु बना होता है इसको बोला जाता है तंतु या फिलामेंट, जिसके अंदर छोटे छोटे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स पाई जाती है, और इन ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स को बोला जाता है फ्लैजिलिन, फ्लैजिलिन। तो ये थी आज अपने अपना टॉपिक था जीवाणु कोशिका की संरचना, तो दिस इज ऑल अबाउट बैक्टीरिया। कल अपन इसी बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, इसी बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।